हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन। मैं हूं रेहान। मैं हूं भाई। और मैं हूं फैजान, जिसका आपको बहुत इंतजार था। सो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वेलकम टू बॉलीवुड वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री पार्ट 3 है ये। पार्ट 2 पर हमने रिएक्शन दिया था और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। और मतलब उस वीडियो को 5 दिन में मतलब 70,000 से ज्यादा व्यू आ गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, और इस वीडियो को भी हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और उस वीडियो को पर रिएक्शन देने के बाद बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार इसके पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 मतलब सारे पार्टों पे, आप सभी पार्टों पर रिएक्शन। सो हमने सोचा पार्ट 2 देखे, आप पार्ट 3 देख लेते, 1 जब साइन आएगा तब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये तो पूरे लिरिक्स है यार, कॉपी। हाँ ये तो पूरा ही कॉपी है। नहीं यार, अनएक्सेप्टेड सॉन्ग भी हो सकता है। कौन चुराई है ना। हाँ म्यूजिक थोड़ा, लिरिक्स तो अलग है, बाकी कौन चुरा ली लिरिक्स तो कोई और लैंग्वेज में। कौन सी मूवी है ये? 1991 इसका ही म्यूजिक। ये भी म्यूजिक। ओह माय गॉड यार, ये गाना तो हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता था। बहुत चला ये गाना। हाँ यार ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। चार्ट पर चार्ट स्टेट में है। क्या मैं तो यार ये मेरे सबसे महंगी पिक्चर जो मैंने थिएटर में देखी है, बहुत महंगी पिक्चर है। यार मतलब सारी टोन चुरा रखी है क्या यार, बॉलीवुड वाला हमारा नाम डुबा रहे। अली जफर का, अली जफर है। ओ यार ये तो गाना बहुत ज्यादा फेमस था। ये शाहरुख खान का, ये कौन सा सॉन्ग है? ये कोई फ्लॉप मूवी का लग रहा है। हाँ बाकी कॉपी, अगेन कॉपी। ये सॉन्ग भी कितना चला था यार। हाँ मतलब सारे हिटेड सॉन्ग जो है ना कहीं थोड़ा लिरिक्स से मिलते हैं या पूरा ही कॉपी यार, पूरा ही कॉपी है। ओह यार कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग कॉपी कर रहे हैं। यार ये सारे गाने मुझे बहुत सुनना है एक बार पाकिस्तान के। मतलब बहुत एक्साइटेड कर दिया हमको कि अगले भाग भी हमको देखना चाहिए। हाँ यार मतलब सारे पार्ट देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो इन्होंने सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि भाई कॉपी करे, बिल्कुल देखना बनता है। हम तो समझ रहे थे बॉलीवुड में। वैसे यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों को परमिशन देना पड़ती है रिएक्शन करने के लिए, वैसे शायद
फाइनें भी लेना पड़ती है राइट्स खरीदते हो, क्योंकि कोई भी आपका ऐसे को केस कर सकता है। सही, थोड़े राइट्स तो हो सकता है इन्होंने ली हो परमिशन। हाँ वैसे महेश भट्ट बट ने ये तो लेते ही है, और मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग ना भी लेते हो, जैसे हम भी कुछ वीडियो पर बिना परमिशन के नीचे कॉपीराइट का वो डाल देते हैं, किसी को कॉपीराइट नहीं है। सो बाकी ये तो बहुत बड़ा, आज हम तो अपना तो फिर भी छोटा मोटा, ये तो पूरा सॉन्ग मतलब एक बहुत बड़े लेवल की बात, मतलब जितना ओरिजिनल ने नहीं कमाया उतना ये कॉपी करके 10-12 गुना ज्यादा कमाया। ओरिजिनल जितना नहीं चला है मतलब किसी वीडियो में लिरिक्स मिलते जुलते हैं, किसी में म्यूजिक है, किसी में वर्ड, सारे वर्ड मतलब पूरा एक एक वर्ड्स भी कॉपी है, किसी में टोन कॉपी है। सो यार वी आर वेरी शॉक, और अगर मतलब हमारी तरह बोले आपको तो खैर पता ही होगा, स्पीचलेस हो चुके हैं, स्पीचलेस हो चुके हैं, और अब सारी वीडियो ऐसे हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए कि अगला भाग देखना ही, नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा, हम जितने पार्ट के सभी देखना चाहते हैं। सो उस पर हम बहुत जल्द रिएक्शन देंगे, उन पार्ट्स बहुत जल्द शनिवार या संडे से पहले आपको रिएक्शन मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को भी उतनी ही मोहब्बत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जितने आपने पिछले वीडियो को शेयर किया था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, अगर आप नए हो तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी ध्यान रखकर फॉलो करें, यहाँ पर हमारी वो वीडियो पेज जो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाती है वो आपको देखने को मिलेगी। एम्ब्रोज रिएक्शन करके हमारा पेज है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपसे राम भाई लाइव चैट करेंगे, तीनों के यूजर नेम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पर, तो हम तीनों से बात कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर आप आके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी राय दी थी फेसबुक समझते हो आज के जमाने में, कोई इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा, मैं अब तो इंस्टाग्राम का जमाना है। हाँ तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक लव नॉट बॉम्ब।